हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। जैसा कि देख रहे हैं आप, संखड़ी NS 200 2017 मॉडल है ये NS 200। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, ओनरशिप थोड़ा मतलब ओनरशिप टाइप का रिव्यू बनाऊंगा। तो गाड़ी कितनी चल चुकी है, तो क्या इसमें चेंजेस हैं, क्या इसमें सामान पड़ रखा है, तो यही बताऊँगा मैं आज आपको। और पहले मैं आपको दिखा दूँ इसमें गाड़ी कितनी चल चुकी है। तो गाड़ी चल चुकी है 22,549। तो इतनी गाड़ी चल चुकी है 4 सालों में। और इसमें चेंजेस क्या, मतलब इसमें वो इंडिकेटर चेंज हो रखे हैं इन्होंने, तो इसने इसमें डाल रखे हैं भाई ने बार इंडिकेटर्स, और भाई ने रैपिंग भी करवा रखी है। आफ्टर मार्केट जो भी लोकल मार्केट बरेली में थे, एक भाई थे, उनसे करवा रखी है इन्होंने। तो गाड़ी तो बहुत करी लग रही है, मतलब देखने में लुक वाइज एंड ओवरऑल। और इसमें पीछे इंडिकेटर ऐसे डाल रखे हैं। और अभी इसकी मतलब नंबर प्लेट चेंज हुई है, अभी भाई ने करवाई थी जस्ट नाउ, तो लुक वाइज तो बहुत ही करी है। बाकी ये गाड़ी पूरी स्टॉक है, ठीक है, बाकी इसमें कोई मोड हो नहीं रखा है, बस रैपिंग और इंडिकेटर चेंज हुए हैं, एग्जॉस्ट वाइज कुछ नहीं चेंज हुआ है इसमें। और ये गाड़ी देती है 35 का एवरेज देती है, ऑन हाईवे ऑन सिटी भी मतलब कि सेम देती है, सिटी हो चाहे हाईवे हो, गाड़ी 35 देनी है। और गाड़ी की टॉप स्पीड भाई ने भगाई है 157 ऑन द रिकॉर्ड, जो गोप्रो पे रिकॉर्ड हो रखा है। मेजर चेंजेस की बात करें तो इसमें भाई ने चेन स्पोकेट है ये वाला, ये चेंज कराया अभी पिछले वीक ही करवाया है चेंजेस, और बाकी कुछ चेंज हुआ नहीं। बाकी क्लच प्लेट जो भी चीज़ें होती है सब नॉर्मली स्टॉक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। बट इसके 3 एक्सीडेंट हुए थे, 2 थे माइनर, बन था मेजर। रिसेंटली अब एक्सीडेंट हुआ था मेजर वाला, तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, उसमें 10,000 का खर्चा आया था। तो बता दूँ उसमें हेडलाइट पूरी चली गई थी, जो इसका टापा आई है ब्लैक वाला ये भी चला गया था, स्पीडोमीटर गया था अभी इसका, और इसकी जो हैंडल टी है अंदर सी बोझ गई थी, बाकी सब सही था मतलब की। और मैं इसमें अगर फोटो मेरे पास अवेलेबल होगा या भाई के पास या मेरे पास, तो मैं डाल दूंगा। भाई ने करवा रखे हैं रिम डेकल्स, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, पल्सर वाले हैं जो मंगाए थे ऑनलाइन, आगे भी करवा रखे इसमें, बहुत ही मस्त लग रहे हैं इसमें, देख लो। और रेप इसका अंडर वैली जी नहीं होता, मड होता है, इसमें करवा रखा है। और इधर ये इधर भी करवा रखा है, इधर देख लो जेब ग्रेबल्स पीछे करवा आगे कर दिए हैं, काफ़ी बहुत ही सेक्सी लग रही है, ठीक है। बाकी सब इसका टायर भी चेंज हो रखा है, इसका अभी जल्दी में टायर इसका चेंज हुआ था, जो लो प्रोफाइल टायर है जो FZ में आता है वही वाला टायर इसमें। और इसमें एक इंस्टाग्राम है राइडर एसरीज, और मिल जाए तो फॉलो कर लेना, और भाई का चैनल भी है राइड विद गेमर, सर्च कर लेना यूट्यूब पे, जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अच्छी वीडियो आती हैं। और ये स्विच देख रहे हैं आप, ये वाला ना लाइट का ना किसी का भी, ना इंडिकेटर का, कुछ भी नहीं है, ये मैनुअली इसको फैन को रन करने के लिए कूलेंट वाला, ठीक है। देखो ये देखो गाइस, ये मैनुअली रन होता है इससे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इशू आ रखे थे, तो भाई ने सीधा मतलब मैनुअली कर दिया इसको, सही तरीके से काम करता है। लेकिन हाँ, पहचानना पड़ता है मतलब कि इंजन कितना हीट है कितना नहीं है। बाकी ये दिखा तो देता मतलब इधर देखो, दिखाओगे देखो, अगर ओवर हीट होगा तो दिखा देगा कि मतलब जो ऑन करना है कि नहीं करना है। बाकी कोई मेजर चेंजेस हुए नहीं, गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 4 साल हो चुके हैं, 22,000 से ऊपर चल चुकी है गाड़ी, लंबी राइडें की हैं, जो कि मनाली भी था उसमें इंक्लूड, कसोल तक गई है गाड़ी, तो परफॉर्म तो अच्छा किया, एवरेज भी अच्छा निकाला इस गाड़ी ने। अगर ब्रांड है बजाज, अगर मैं उसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करूं तो भाई तो बता रहे बिल्कुल ही नहीं है, तरीके से बात करते हैं और बिहेवियर ऐसे ही रहता है, मतलब उल्टा सीधा ही रहता है, तो यही तो प्रॉब्लम है बजाज में थोड़ी सी बस। बाकी पिकअप वाइज गाड़ी बहुत ही मस्त है, ठीक है, और इसकी पावर ड्रॉप बिल्कुल नहीं हुई इसमें, 4 साल हो चुके हैं, अभी भी है भाई साहब 155 प्लस ही जाती है बाइक। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और वीडियो कोई डिमांड हो तो बताना कमेंट में। तो ओके बाय।